नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे अगस्त 2024 का प्रतियोगिता दर्पण, जिसमें हम देखेंगे बीपीएससी और यूपीपीसीएस को लेकर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसे हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में हमने सितंबर 2024 का भी प्रतियोगिता दर्पण को डिस्कस कर लिया है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें 100 से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस किया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को जो इसमें दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी की शुरुआत की गई है? तो ये होगा भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई ने विनियामक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार लाने के लिए इन उपयुक्त महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। फिर हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो रेमल का नाम दिया गया ओमान के द्वारा। तो चक्रवात रेमल से पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहे। रेमल नाम जिसका अरबी अर्थ होता है रेत, ओमान द्वारा दिया गया। गौरतलब है यह नामांकन उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामांकन के वर्ष 1972 में गठित एक पैनल द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में इसमें 13 सदस्य हैं। तो रेमल नाम जो है ओमान के द्वारा दिया गया, और इससे प्रभावित जो सर्वाधिक क्षेत्र रहे थे वो पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र रहा। और रेमल का अर्थ क्या होता है? रेत होता है। हाल ही में चेन्नई स्थित किस स्टार्टअप ने सिंगल पीस थ्री डायमेंशनल अर्थात 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया? हाल ही में चेन्नई स्थित किस स्टार्टअप ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया? तो ये होगा अग्निकुल कॉस्मस। तो निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। इसे अग्निवान नाम दिया गया है। यह किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा किया गया पहला लॉन्च नहीं है। नवंबर 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम साराभाई के नाम से विक्रम रॉकेट का सफलतापूर्वक ऑलरेडी लॉन्च किया था। तो अग्निकुल जो है ये स्वदेशी निर्मित रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया और इसका नाम है अग्निवान। इस जो रॉकेट है उसका नाम क्या है? अग्निवान। ठीक है, अगला देखते हैं। हरुण रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हरुण इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त क्या है? तो हरुण इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त क्या है? लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के कलाकार अनीश कपूर लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर हैं। इस पुरस्कार सूची में दूसरे स्थान पर बड़ौदा के कलाकार हैं गुलाम मोहम्मद से। तो हरुण इंडिया आर्ट लिस्ट में अनीश कुमार। हाल ही में 31 मई 2024 को मध्यकालीन भारत की कुछ प्रमुख महिला शासकों में से एक अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ था, और 2024 में इनकी 299वीं जयंती मनाई गई। 1754 में अपने पति खाड़े राव होलकर की कुंभेर की लड़ाई में मृत्यु के बाद उन्होंने मालवा की राजनीतिक सत्ता की देखरेख शुरू की थी। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के कारण विवेकानंद ऑफ मेमोरियल चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। तो विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी के बाबथुराई समुद्र तट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुख्य भूमि से भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है। अगला देखते हैं, हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? तो यह हमारी भूमि हमारा भविष्य और हमारी पीढ़ी का पुनर्स्थापना इस तरह से है यहाँ पे विषय। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाए जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश सऊदी अरब है। इस बार का पर्यावरण दिवस जो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया, इसका मेजबान देश है सऊदी अरब। इस वर्ष की थीम है भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर केंद्रित है। गौरतलब है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 30 तक
के दशक को पारिस्थितिक तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण के संबंध में 2021 से लेकर 30 तक का जो दशक है वो पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली या पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाया जा रहा है। और इस वर्ष का जो मेजबान देश रहा सऊदी अरब रहा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का। इसकी शुरुआत हुई थी 5 जून 1972 ईस्वी को पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 5 जून 1972 को, ठीक है। और इस वर्ष का थीम क्या रहा, पुनर्स्थापना, मरुस्थलकरण और सूखे से निपटने पर यह पूरा केंद्रित रहा, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजया भारती सियानी को। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा विजया भारती सियानी को इस पद पर नियुक्त किया गया। NHRC की स्थापना कब हुई थी, ये हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को, 1993 को NHRC की स्थापना हुई थी और इसके कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया विजय भारती सियानी को। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो अनामिका बी राजीव जो है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ये पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अनामिका बी राजीव किंग्स HL ध्रुव चेतक और MH-60R सीहॉक्स जैसे हेलीकॉप्टर की उड़ान भरेगी, ठीक है। अगला देखते हैं, कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के किस दूसरे वन्यजीव अभयारण्य को चीता के पुनर्वास के लिए तैयार किया जा रहा है, तो यह गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद अब गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है यहाँ पर चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। गांधी सागर जो वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ है, राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में फैला हुआ है, इसके बीचों बीच में चंबल नदी बहती है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन भारत के अगले सेना प्रमुख के रूप में 30 जून 2024 को अपना पदभार संभाल लेंगे, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का वर्ष 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका उल्लेख प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर के किस संस्करण में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रसिद्ध सरोद वादक हैं राजीव तारानाथ, तो राजीव तारानाथ क्या थे, सरोद वादक थे। इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इसका उल्लेख प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर के किस संस्करण में किया गया है, तो प्रसिद्ध ऑर्डेंट संस्करण में किया गया है। तो सरोद वादक पंडित तारानाथ को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार व 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और तो शेक्सपियर का जो संस्करण है वो क्या है, ऑर्डेंट, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर किसके नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो ये ज्योतिर्मठ, तो जोशीमठ का तहसील का नाम बदलकर क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मठ हो जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिला के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ हो जाएगा। नैनीताल जिले के केसरिया कुटेली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैची धाम करने की मंजूरी मिली है, ठीक है। अगला देखते हैं, गांधीनगर में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का लड़कियों की श्रेणी में खिताबी मुकाबला जीता दिव्या देशमुख ने। तो गुजरात के गांधीनगर में फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 लड़कियों की श्रेणी में खिताबी मुकाबला जीता दिव्या देशमुख ने। अगला देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कुल 606 लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया, तो रोहित शर्मा 606 लगा चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कुल मिलाकर 606 लगाने वाले रोहित शर्मा खिलाड़ी बने हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने चल रहे T20 वर्ल्ड कप 2024 के भारत और आयरलैंड मैच में 606 लगाया। इस सूची में क्रिस गेल 533 सिक्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं, तो क्रिस गेल दूसरा नंबर पर है। हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत नागिन नकटी पर जो पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड घोषित किया गया है। भारत में अब कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है, तो 82 हो गई। नागिन नकटी जमुई जिला में है, बिहार के जमुई जिला के झाझा वन क्षेत्र में है। गौरतलब है वर्तमान स्थिति के आधार पर भारत रामसर साइट्स के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है, तो रामसर साइट्स में जो भारत है चाइना के साथ तीसरे स्थान पर है। कुल 175 रामसर साइट्स के साथ ब्रिटेन प्रथम स्थान पर है, ब्रिटेन पहला स्थान पर है रामसर साइट्स के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से निकाला जा सकता है रामसर साइट्स में पहला स्थान किसका है, ब्रिटेन का है, और भारत चाइना के साथ मिलकर तीसरे नंबर पर है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो भारत में अब कुल मिलाकर रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई, 82 है, और
नागिन नकटी जो है एटीटुमा है, रामसर साइट्स बना है। कहाँ है ये? जमुई में है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स। तो पुर्टिसिस या काली खांसी, जिसके यूरोप में जनवरी से मार्च 2024 के बीच लगभग 32,000 मामले सामने आए, यह किस बैक्टीरिया के कारण होती है? ये होती है बैक्टीरिया बोर्डेटेला पुर्टिसिस के कारण। तो पुर्टिसिस या काली खांसी जो होता है, 32,000 मामले सामने आए यूरोप में, इसके किसके कारण होता है? तो बोर्डेला पुर्टिसिस के कारण होता है। काली खांसी छींकने या निकट संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। अगला देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि जो अपने विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई, ये हो गई रुचिरा कम्बोज। तो रुचिरा कम्बोज सेवानिवृत्त हो चुकी है। रुचिरा कम्बोज ने भूटान, दक्षिण अफ्रीका, यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में अपनी सेवाएं दी। कम्बोज 1987 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई थी। 2022 में उन्होंने औपचारिक रूप से न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत का पद संभाला था। तो भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि जो अपने विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई, नाम है रुचिरा कम्बोज। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लीग अधिवक्ता पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? तो राधिका मेनन, सॉरी राधिका सेन, मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लीग अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में सेवारत मेजर राधिका सेन को वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और संयुक्त राष्ट्र लीग अधिवक्ता पुरस्कार किन को मिला है? मेजर राधिका सेन को। WHO द्वारा किस संगठन सॉरी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश में H5N2 नामक बर्ड फ्लू द्वारा होने वाली पहली मानव मृत्यु की पुष्टि की है? H5N2 बर्ड फ्लू द्वारा होने वाली पहली मानव मृत्यु की पुष्टि की गई है मेक्सिको। ठीक है, तो एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू का एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पंछियों को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ उप प्रकार जो है H5N2 के, वो मनुष्यों को भी प्रभावित करते हैं, और इसके द्वारा पहली मानव मृत्यु की पुष्टि हुई मेक्सिको में। हाल ही में किसने चुनाव जीतकर मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया है? तो क्लोडिया सिनबाम जो है, क्लोडिया सिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में बीपीएससी का प्री में ये देखने को मिलेगा। ये क्लोडिया सिनबाम कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मेक्सिको की। तो क्लोडिया सिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति व लैटिन अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली सात महिला होंगी, होने वाली सात महिला होगी। गौरतलब है इसके पूर्व मतलब ये सातवीं महिला होंगी एक तरह से कहा जा रहा है। यहाँ पर निकारागुआ के, पनामा के, इस तरह के पहले रह चुके हैं, तो इस तरह से सातवीं महिला हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है महिला का, वो जीता है इगा स्वीटिक ने। तो इगा स्वीटिक जो है पोलैंड की रहने वाली हैं और इटली की जैस्मिना पावलिन को हरा करके फ्रेंच ओपन जीती हैं। फ्रेंच ओपन खिताब किया उनकी लगातार तीसरी व कुल चौथी खिताबी जीत है। इस जीत के साथ उनके ग्रैंड स्लैम एकल खिताब की संख्या अब 5 हो गई है। वहीं पुरुष एकल स्पर्धा में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जर्मनी के जीरो को हराकर अपना पहला फ्रेंच खिताब जीता। तो अल्कराज जो है पुरुष का जो फ्रेंच ओपन टेनिस होता है, जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरोव को हराकर उन्होंने अपना पहला फ्रेंच खिताब जीता है अल्कराज ने। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह। तो निशानेबाज हैं सरबजोत सिंह, इन्होंने आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें देखते हैं और क्या चीज़ इसमें शामिल है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल खुद 2 पदक जीता। दूसरा समारा द्वारा महिलाओं के 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता गया, जिन कुल 11 पदक जीता है। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सरबजोत सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएसएसएफ विश्व कप 2024 की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह ने स्वर्ण जीता। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो विश्व बैंक जो है उसके वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर रहने का जो अनुमान है वो है 2.6%।
2.6%। इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था 24 से 26 तक 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। मेन हमारे लिए क्या है, 2.6%। अगला देखते हैं, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जनवरी मार्च 2024 के अनुसार वैश्विक शीर्ष 5 शहरों में भारत के कितने शहर सम्मिलित हैं। तो 2 शहर सम्मिलित हैं, मुंबई और दिल्ली। तो मुंबई और दिल्ली जो है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जनवरी मार्च 2024 के अनुसार वैश्विक शीर्ष 5 शहरों में शामिल हैं, जिसमें कौन कौन सा नाम लिया हमने, मुंबई और दिल्ली। अगला देखते हैं, हाल ही में, अच्छा इसका डिटेल एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी इस सूचकांक में मुंबई और दिल्ली शीर्ष 5 वैश्विक शहरों में सम्मिलित है, जहाँ औसत वार्षिक आवास कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मुंबई में जहाँ प्राइम रेजिडेंशियल कीमत 11.5%, दिल्ली में 10.5% बढ़ी। हालांकि इस सूचकांक में बंगलुरु की रैंक जो है 16वां स्थान से गिरकर 17 हो गई है। इस सूचकांक में मनीला कुल 26.2% की वृद्धि के साथ प्रथम। तो फिलीपींस की जो मनीला है वो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में मनीला पहला नंबर पे और टोक्यो 12.5% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मनीला टोक्यो है, ठीक है, मनीला और टोक्यो। अब भारत के जो है शीर्ष 5 शहर में 2 शहर रहे हैं, कौन कौन, मुंबई और दिल्ली। तो हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी की गई एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शीर्ष 5 नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जक हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जक हैं चाइना 16.7%, भारत 10.9%, अमेरिका 5.7%, ब्राज़ील और रसिया। तो ये ग्रीन हाउस गैस के जो नाइट्रस ऑक्साइड है उससे उसका उत्सर्जक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जो अन्य प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड व मिथेन से भी अधिक प्रभावकारी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980 से 2020 के बीच इस गैस का उत्सर्जन कुल 40% की वृद्धि हुआ है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के क्रम में शीर्ष 5 राष्ट्र क्रमशः, ये प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के क्रम में यदि देखें तो शीर्ष 5 राष्ट्र क्रमशः रूस 3.3 kg, ब्राज़ील 2.5, अमेरिका 1.7, चाइना और भारत है 0.8 kg। तो इस तरह से यदि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के क्रम में देखें तो रशिया पहले नंबर पर है, और कंट्रीज वाइज देखें तो चाइना पहले नंबर पर है। अगला देखते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर पर भारत है। हालांकि भारत का जो प्रति व्यक्ति यदि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन है वो काफ़ी कम है और ये 0.8% है। वहीं रशिया का 3.3% है, चाइना का 1.3% है। तो हाल ही में किस देश ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करने की घोषणा की है, तो दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया आधिकारिक तौर पर अपना अंतरिक्ष एजेंसी खोलने की अनुमति दी है। इसका नाम होगा कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में प्रवेश पर रोक लगाई गई, तो ये होगा मालदीव। मालदीव द्वारा गाजा में इजरायल के हमले के विरोध में यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 जून को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6वां विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इस वर्ष दिवस की थीम फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, और 2024 का नारा फूड सेफ्टी इज एवरी बिजनेस रखा गया। 7 जून 2019 को पहला विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को। 2 जून हम लोग ऐसे बोलते हैं 2 जून की रोटी, तो 5 दिन और तो यहाँ पर खाद्य दिवस हो जाएगा, ठीक है, 7 जून को। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया है, तो बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को की वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया गया है, तो इसराइल को। देखिए यह क्या है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस आपराधिक वैश्विक सूची में इजरायली सेना को सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त इस सूची में हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को भी शामिल किया गया है। तो बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजरायल को शामिल किया गया है। हाल ही में भारत ने किस आपदाग्रस्त देश को मानवीयता दिखाते हुए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी है, किस आपदाग्रस्त देश को मानवीयता दिखाते हुए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी है, पपुआना न्यू गिनी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ने किस आपदाग्रस्त देश को मानवीयता दिखाते हुए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी है, पपुआना न्यू गिनी। ये ओशिनिया में स्थित एक देश है, पपुआना न्यू गिनी, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में दक्षिणी अफ्रीकी संसद ने
सिरिल रामाफोसा को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो यह दूसरा कार्यकाल है सिरिल रामाफोसा का। उन्होंने पहली बार 2018 में पदभार को संभाला था और 19 के चुनाव के बाद फिर चुने गए थे, संभाला था, और 2019 के चुनावों के बाद 22 मई 2019 को चुने गए थे। तो इस तरह से हमारा नेशनल और इंटरनेशनल जो करेंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थे, इसे हमने डिस्कस कर लिया है। फिर हम आगे अगले वीडियो में हम अन्य जो ऑब्जेक्टिव बचे हुए उसे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।